दो टावर के बीच बिल्डिंग है वो भावनगरी गांठ या वेणेला होता है उसी टाइप से इसका डिजाइन बनाया है, लेकिन मस्त बनाया है, परफेक्ट बनाया है। फिर ट्रेन जा रही है सुपारी वाली की तरफ। बड़े बड़े टावर है, पूरा कैमरा भी नहीं पहुंच सकता, इतने ऊंचे ऊंचे टावर है, गजब के टावर है, क्या बात करें। ये रोड है ब्रिज, पामेरा जूम होकर एटलांटिस होटल तक जाता है। वाह दुबई वाह, दुबई तो भाई दुबई है, दुबई एक बार जीवन में देखना चाहिए, जिसने दुबई नहीं देखा कुछ भी नहीं देखा, इसके जीवन में कुछ रहा ही नहीं, एक बार तो दुबई ज़रूर देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए।
ये पोज है ना वो फोटो के लिए इतना बेस्ट है कि बात ही मत पूछो। हमें बार बार ये सीन इसलिए दिखाना पड़ता है कि कोई साइड का बिल्डिंग हो वो दब न जावे, वो खुला दिखता है, इसलिए हम इसको दिखाते हैं। ये प्लेन उतरने का ब्रिज बनाया है और वहाँ से प्लेन भी आते हैं और हेलीकॉप्टर भी आते हैं। ये हेलीपैड का भी स्टेशन है। ये दरिया का पानी हरा कलर का दिखता है और ये जो चकडोल है वो रिपेयरिंग में है इसलिए चालू नहीं है, और ये फ्रेम जैसा बना है लेकिन फ्रेम नहीं है, बिल्डिंग है। और ये जो बीच में ब्रिज बनाया है वो विमान उतरने के लिए, छोटे छोटे विमान। और आगे पहले पेड़ है। डबल डेकर बस, एक कोस्टा टोसीना जहाज है। मैं पहले समझता था कि ये बिल्डिंग है लेकिन ये बिल्डिंग नहीं है, ये जहाज है, बहुत बड़ा जहाज है। और दूसरा जहाज उस साइड में है। कोस्टा रिका टोसीना जहाज, ये जो सामने दूर दूर दिखता है वो दुबई का बंदर है। स्टीमरों वहाँ आकर रुकती है।
एक ट्रेन जा रही है सुपारी वाली की तरफ। बड़े बड़े टावर है, पूरा कैमरा भी नहीं पहुंच सकता, इतने ऊंचे ऊंचे टावर है, गजब के टावर है, क्या बात करें। ये रोड है ब्रिज, पामेरा जूम होकर एटलांटिस होटल तक जाता है। ये दो टावर के बीच बिल्डिंग है, वो भावनगरी गांठ या वेणेला होता है, उसी टाइप से इसका डिज़ाइन बनाया है, लेकिन मस्त बनाया है, परफेक्ट बनाया है। BMCC मेट्रो रेलवे स्टेशन,
ये छोटे छोटे नावड़े चल रहे हैं। पानी यहाँ का अच्छा है, ग्रीन कलर का। ये कोस्टा टोसिना जहाज, पहले ऐसा लगता था बिल्डिंग जैसा, बाद में मालूम पड़ा कि ये तो बहुत बड़ा जहाज है। छोटा जहाज जा रहा है। ये ऐडा जहाज है, ये उलट साइड का दरिया का बंदर है, दूसरी साइड का बहुत अच्छा है, देखने जैसा है। यहाँ कोई आते नहीं है, मैं अकेला पैदल घूम घूम कर थक गया हूँ, फिर भी आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। देखो तो और मज़ा आएगी, नहीं तो पूरा नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं देखा ऐसा आपको लगेगा। ये वीडियो मेरा देखने जैसा है, और देखने के बाद सब्सक्राइब करने का, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी कि मैंने कुछ देखा है।
ये दो बिल्डिंग के बीच में है वो भावनगरी गांठिया आता है ना, उसी टाइप का वीणेला बिल्डिंग बनाया है। अच्छा है बिल्डिंग भी। ये सामने जो दो बिल्डिंग है ना, वो अमेरिका में बनाए हैं, वैसे बिल्डिंग बनाए हैं। और अल बुरज होटल यहाँ से दूर दूर तक दिखता है। ये है अल बुरज होटल, 7 स्टार होटल है। ये दुनिया में एक ही होटल है 7 स्टार। ये मेट्रो स्टेशन शोभा रियलिटी स्टेशन है और यहाँ बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंजिले वाले मकान बने हैं। यहाँ देखने जैसा है ये शोभा रियलिटी स्टेशन का सब व्यू। गांठिया टाइप का बिल्डिंग देखो भाई, अलग अलग एंगल से, पहले आगे से लिया था, ये पीछे से लिया है। हा, एक से एक मकान कैसे बनाए हैं, अपना मगज नहीं काम करता। ऐसे ऐसे मकान है, इंडिया में कोई ऐसा मकान है ही नहीं। तकलीफ वही है, फिर कैसे बनेगा।
ही खलीफा। ये पाम जुमेरा के बिल्डिंग है, ये पाम जुमेरा रेलवे स्टेशन है और यहाँ के बड़े बड़े बिल्डिंग दिखते हैं। यहाँ देखने के लायक बिल्डिंगें ही है, दूसरा कुछ नहीं।